हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो दैट मतलब काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। और जो हमने डेली व्लॉग्स कहाँ गए, डेली व्लॉग्स में आ गया थोड़ा डेली व्लॉग्स। तो गाइज अब थोड़ा कंटेंट पे अपना थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। तो हो सक ब्लॉग्स होम ब्लॉग्स तो मैं कम ही करूँगा, लेकिन बाकी जब भी घर के बाहर जाएंगे तो ब्लॉग्स पूरे जरूर करेंगे, मतलब कुछ नहीं होगा। तो आज का सीन ऐसे, मैं काफ़ी दिनों से मतलब पिछले ब्लॉग्स देखा होगा तो काफ़ी टाइम से बोल रहा मैं ग्रीन स्क्रीन लगानी है, बट मैं लगा नहीं पा रहा था। तो आज हम लगा देंगे, मैंने थोड़ा बहुत कर दिया, मैंने जहाँ पे लगानी है तो मैंने थोड़ा बहुत देख लिया। तो चलो लगाते हैं, देखते हैं। पहले थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि दीवार थोड़ी सी गंदी है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा अंधेरा है वहाँ पर, तो मैनेज कर लेना थोड़ा। मैं सोच रहा था इस दीवार पर लगा दूंगा, ये दीवार थोड़ी अच्छी है बाकी दीवारों रूम की दीवारों में से। दोनों मेरे बैग मैं दोनों टांगता था, और इस तरफ थोड़े कपड़े हैं पापा के, बाबा आदम खान के ज़माने की। तो या लेट्स डू इट, देखते हैं कैसा बन पाता। वैसे तो मैंने एक कील ठोकी है, बट ये कुछ ज़्यादा ही मोटी है। इसके लिए ना थोड़ी पतली वाली कीलें लानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, लाते हैं, वो भी हमारे पास पैसा नहीं, कमी नहीं है, कीलों की कमी नहीं है हमारे पास। तो या गाइस, हमें छोटी कीलें मिल चुकी है, ये रहा डब्बा। चलो चलो ठोकते हैं इनको अब। अभी मैंने क्या ना, वो जो कपड़े थे बाबा आदम खान के ज़माने की, वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि यहाँ तक आ रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा है यार। मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा, पर चलो जितना लंबा है उतना अच्छी बात है। गाइस लगते वापस काम पर, हमें मिस्त्री अनमोल मिस्त्री। Moments later. तो यार गाइस टाइम हो चुका है 1:45 दोपहर के, और मेरा ग्रीन स्क्रीन का काम अभी ख़त्म हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे थोड़ी सी नीचे से पता नहीं थोड़ा बन नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा पता नहीं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को यहाँ से। लेकिन इनके लिए थोड़ी जगह ढूंढनी पड़ेगी, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पर करना पड़ेगा, नहीं तो गालियाँ सुननी पड़ेगी, नहीं तो हमें घर वालों से कि कमरे की क्या हालत बना दी। तो भी मैंने क्या किया ना, मतलब जैसे थे ना पहले, मतलब रखे हुए मैंने उनको वैसे ही रख दिया, क्योंकि जब मतलब मुझे ज़रूरत होगी मतलब ग्रीन स्क्रीन की, मतलब तो इनको हटा के मतलब टेबल को खिसका के एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कर लेंगे वापस उनको फिर दें, इसे कहते हैं दिमाग। फिलहाल जो तो भी थोड़ा ऐसा दिख रहा है, मैंने इसको फोल्ड करके दिया क्योंकि नीचे लंबा है ना, तो थोड़ा नीचे फिर दिक्कत देता है। मैंने मतलब कर तो दिया, लेकिन ये पता नहीं कि घर वालों का क्या रिएक्शन होगा इसके लिए, गालियाँ ना सुननी पड़े बस, और कुछ नहीं। सह लेंगे थोड़ा, और कर भी क्या सकते हैं। 12 seconds left. तो अभी मैं मतलब सफाई कर रहा था, और मेरे को सफाई करते करते एक स्कूल की बैलेट मिल गई, बेसिकली तो उल्टी दिखा रही है। इसमें लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भामला, मतलब ना वो भी क्या दिन थे, मतलब फुल मस्ती करते थे, बट क्या कर सकते हैं अब, वो दिन क्या दिन थे, लौट के नहीं आ सकते, पर छोड़ो क्या ही। एक बैग की जगह बन चुकी है ग्रीन स्क्रीन के साथ में, तो अब दूसरे की देखते हैं कहाँ पे बनती है। और इसके ये कील भी थोड़ी मोटी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप आएगा ना इसमें। तो हमारी ग्रीन स्क्रीन का काम तो ख़त्म हो चुका है। अब वो क्या ना, मतलब मैं ऐसे थोड़ी साफ़ सफाई कर रहा, तो मेरे को एक इंडक्शन मिल गया, मतलब ख़राब पड़ा हुआ इंडक्शन। तो भाई अब मुझे मिल गया, तो
देखते हैं इसको मतलब इसमें क्या खराबियाँ हैं। अब जिसको नहीं पता भाई तो मैं बता दूं कि हम इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों इंजीनियर हैं। मतलब बचपन से खोलने वाली चीज़ें ना हम बहुत की है हमने, मतलब काफ़ी पुराना है। मतलब चलो फिर भी देखते हैं इसमें क्या खराबी है, तो इसको खोलना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा हथियार, तो चलो पुर्जे पुर्जे कर देंगे हम। तो यार गाइस, मैं मतलब ऐसे झुक के बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इसको खोला नहीं है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ हमें देखने को मिल जाए। तो बने रहिएगा वीडियो में, खुलते हैं अब, चलो आ जाओ। आई नो थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है क्योंकि मौसम जो तो अब ख़राब हो चुका है, लाइट की भारी कमी। तो हमने मैंने क्या ना पूरा खोल दिया इसका, मतलब पुर्जे पुर्जे खोल लिया। मतलब ऐसा दिखता है गाइस, ये देखो पूरे ये इस पे होता है फिट पूरा, और ये राबू इसका जो भी है स्विच बोर्ड, इसकी फ़ैन की जगह ये फ़ैन रहा, ये कॉइल और इसकी ये बोर्ड जो भी है। मतलब देख रहे हो, मतलब हमने भले ही हम इंजीनियरिंग नहीं करें लेकिन हम ऑलरेडी ही इंजीनियर हैं। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इसमें खराबी क्या है। और मतलब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आप तो सुनाई दे रहा होगा मतलब माइक पे। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मेरी कोई नहीं। आ जाओ गाइस, मैं कार्टून से मिलाता हूँ आपको, इसको ना ज़बरदस्ती लाना पड़ता है ब्लॉग में। आ जाओ ब्लॉग में आते का ब्लॉग में आता हूँ, आ जा ना, इसका पकड़ना पड़े। आ ब्लॉग में आ जा, शकल दिखा अपनी, शकल दिखा अपनी, चल दिखाना लोगों को शकल दिखा, चल चल दिखाना। हाँ अरे कुछ नहीं, इसकी शकल दिखा रहे हैं लोगों को, कहा ये देखो यार कार्टून, शकल दिखा अपनी, चल दिखाना। ये भाई इसको पता नहीं क्या कैमरे से एलर्जी बहुत है। तो मैं भीग चुका हूँ बारिश में, एक रील के चक्कर में, एक रील बनाने के लिए पता नहीं 5 बार भीगना पड़ा। चलो वो इंडक्शन चालू करके देखते हैं ठीक हो कि नहीं। ये रहा इंडक्शन, तो गाइस हमारा पोपट हो चुका है। इतनी मतलब इतनी मेहनत के बाद भी इंडक्शन नहीं हुआ ठीक, बहुत बुरा लग रहा है यार। इतनी मेहनत की पर फिर भी इंडक्शन ऑन नहीं हुआ, मतलब क्या ही कर सकते हैं। 4:30 बज चुके हैं शाम के, और आई होप मतलब पीछे ये अच्छी लग रही हो थोड़ी देखने को। लाइट की कमी है लेकिन उसको भी कर देंगे धीरे धीरे, जुगाड़ आप जुगाड़ी बंदे। तो फिलहाल का सीन ऐसा कि कुछ काम आ गया, अब मेरे को जाना है बुआ के घर, ज़्यादा नहीं मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है, पैदल नहीं जाएंगे हम, गाड़ी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा पहले कपड़े पहन लेता हूँ, ये तो गीले हुए हैं सारे। भैया गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, ब्लैक टी शर्ट डाल ली मैंने, मतलब स्किनर जो भी कह लो इसको। अब पूछते हैं दादा तैयार हुए कि, मतलब तैयार तो खोने क्या, वैसे नज़दीक ही जाना है बट फिर भी जाना तो है। तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि किसी को भाई पसंद नहीं होता ब्लॉग में आना वीडियो में। तो चलो मतलब रास्ते में हम जाएंगे लेकिन वहाँ के थोड़े शॉर्ट्स तो लूँगे क्योंकि बारिश हुई है, तो मतलब मौसम तो मतलब हा 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 हा। क्या है बोल, बुआ के घर जाना, अम्मा भी जाना। अब ये छोटे कार्टून बोल रहा कि मैं भी जाऊँगा, चलो कोई नहीं इसको देख लेते हैं, इसका भी क्या दिक्कत है, चल पड़ेगा, चलना है तो चल पड़े और क्या कर सकते हैं। ठीक है देखते हैं, अभी एक होता है टाइम लगाएगा बहुत सारा। तो यार गाइस हम घर से निकल चुके हैं, दादा इंतजार कर रहे हैं गाड़ी के पास, तो जल्दी चलते हैं इससे पहले हमें डांट लग जाए। चलो जल्दी चल, बारिश हुई है ना तो मतलब लैंडस्लाइड तो बहुत ज़्यादा हुए हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। हिमाचल में ना एक यही दिक्कत है लैंडस्लाइड ज़्यादा, मतलब जितना भी गवर्नमेंट होती है मतलब साइड के रास्ते बिगाड़ देती है। बरसात में तो अक्सर ऐसा ही होता है, एक बार 2018 में होता बहुत बहुत ही भयंकर वाली
बारिश हुई थी और भयंकर वाले लैंडस्लाइड हुए थे। मतलब सोच रहे हो, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये दो एक दो दिन दिल की छुट्टी हुई। रेनबो गाइस, रेनबो, अरे भाई भाई गाइस, रेनबो निकला है इतनी बारिश के बाद। आप देख सकते हैं हल्का 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 सा रेनबो है। मैंने मतलब सोचा नहीं था, मतलब कि रेनबो देखने को मिल जाएगा। मतलब हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं, एक दो किलोमीटर ही। तो यो कैसा लगा आपको? थोड़ा मतलब शॉर्ट्स मिल गए हमें, ट्रैवलिंग शॉर्ट्स। अरे 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 भाई भाई, पूरा मतलब आ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड्स हुए हैं हिमाचल में। मतलब लोकल में इतने, सोचो तो बाहर की मतलब क्या हाल होगा। इसलिए गाइस आजकल मतलब ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, मतलब पहाड़ों में लाइक हिमाचल उत्तराखंड, क्योंकि लैंडस्लाइड तो भाई आम सी बात हो चुकी है। उनको नहीं पता, उनके लिए एक सरप्राइज़ है कि हम आ रहे हैं जामुन लेके। ये मतलब थोड़ा खतरनाक सरप्राइज़ होगा। हाँ तो उठा रही, तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है उसमें एकदम से अचानक देखने में। तो चलो, बट मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मतलब एज यू नो, बट चलो मैं तो देख सकता हूँ। हम थोड़ा पानी भरने आए हैं और ये लड़का शर्मा रहा है ब्लॉग में आने के लिए। शर्मीला लड़का, बक्सो भाई, बक्सो। पता नहीं यार कैमरा देख के डर क्यों जाते हैं सारे। तो पानी भरते हैं पीने के लिए और फिर चलते हैं वापस। मैं मतलब ज़्यादा शूट नहीं करा। बबू जी का जन्मदिन और हम एकदम से पहुँच गए, मुझे पता नहीं था पहले से। अरे ये बहुत हंस रहा है मेरे ऊपर। वैसे यार मेरे को ये ना तीन पोर्ट्रेट मत क्या फोटो फ्रेम जो बहुत बढ़िया लगी। One hour later. दूर हो जा, चल दूर हो जा, थोड़ी देर एक्टिंग करने दे इसको, चल। अभी मजा आएगा ना। इतने जामुन खा के जामुन मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो यार गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और इतने अभी बहुत उजाला है, रोशनी है अभी, और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है बारिश के बाद कि मतलब क्या ही बताएं। मतलब कितनी बार बताएं, पीछे खड़ी है दादा की नैनो। ओ इतना प्यारा मौसम, यहाँ के घर के सामने बिल्कुल देखो कितने बढ़िया खेत हैं, हरे भरे धान लगे हुए, और सूरज देवता जा रहे हैं अपने सोने को। बॉल नीचे गिर गया, खेल चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी हम टेरिस पे आ चुके हैं यहाँ से, क्योंकि ना नज़ारा कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, दिखाते हैं आपको, थोड़े से शॉट ले लेते हैं। देखो भाई तुम्हें मस्ती करनी है, मस्ती लड़ना, बट गिरना मत नीचे, और बस कुछ नहीं, बस गिरने का डर होता, कहीं गिर ना जाए नीचे तो लफड़ा हो जाएगा। मतलब
के यार झूठा प्यार छोड़ो जाने दो, हूँ बेफिकर बातें करने दो जमाने को। रैप गेम की तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे मुझे फ्लो में तो आने दो।